और इस बीच एक ताज़ा वीडियो आया है यूक्रेन से। हरियाणा के पानीपत से एक छात्र वहां गए थे पढ़ने के लिए और उन्होंने ये वीडियो भेजा है। इस छात्र का क्या कहना है सुनते हैं। कोई भी ऑफिशियल हमसे कॉन्टेक्ट नहीं किया, कितना संभाले, अपने जूनियर्स को संभालते संभालते अब कितना संभाले। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो मर जाते हम लोग, वहीं कोई आके मिसाइल मार देता। हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे हम? हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल हमसे कॉन्टेक्ट नहीं किया, कितना संभाले, अपने जूनियर्स को संभालते संभालते अब कितना संभाले। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो मर जाते हम लोग, वहीं कोई आके मिसाइल मार देता। हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे हम? हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल हमसे कॉन्टेक्ट नहीं किया, कितना संभाले, अपने जूनियर्स को संभालते संभालते अब कितना संभाले। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ।